बिहार में लगभग एक महीना रुकने के बाद अब खेसारी लाल यादव मुंबई आ गए हैं। मुंबई आने की वजह उन्होंने बहुत खास बताया कि कुछ उनका ऐसा ज़रूरी काम था जिसके वजह से बिहार से मुंबई आना पड़ा। वो आना तो नहीं चाहते थे अपनी मिट्टी को छोड़कर, लेकिन क्या करें, काम ही कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव को आना पड़ा मुंबई। और अब रानी चटर्जी भी बिहार से मुंबई आ गई हैं। जी हाँ, रानी चटर्जी ने वहाँ पर अपने लगभग 3 गानों की शूटिंग ख़त्म की और वो मुंबई आ चुकी हैं। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि बिहार में रहते हुए खेसारी लाल यादव ने प्रमोद प्रेमी से बात कर अपने जितने भी झगड़े थे सबको सुलझाए। इसकी वजह ये भी है कि आजकल काजल राघवानी से उनकी जो बेरुखी चल रही है, काजल राघवानी ने जो उन्हें अनफॉलो किया है, खेसारी यही सोच रहे हैं इस तरह लोगों के बीच निगेटिव अपनी छवि बनाना सही नहीं है, क्योंकि खेसारी को बहुत ही डाउन टू अर्थ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्हें एटीट्यूड तो आता ही नहीं है, वो जिससे मिलते हैं उसके होकर मिलते हैं। और ऐसे में लगातार अब खेसारी के रिश्ते अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बिगड़ेंगे तो ये खेसारी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए धान की रुपाई करते हुए वो प्रमोद प्रेमी से मिले और फिर उनसे जितने भी अपने विवाद थे सब वहीं पर उन्होंने समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने उनका हालचाल भी पूछा और ये भी पूछा कि तुम्हारे अभी कितने बोलबम के गाने बाकी हैं, क्योंकि इन दोनों में हमेशा से जो लड़ाई रही है वो सभी के सामने रही है। प्रमोद प्रेमी ने तो खेसारी लाल यादव पर गाने तक बना दिए थे, जिसे सुनने के बाद खेसारी लाल यादव के फैंस भड़क उठे थे। लेकिन इन सब विवादों को खेसारी ने ये सोचा कि बिहार आके ही संपन्न किए जाएँ। और अब ये बताया जा रहा है कि खेसारी और प्रमोद के बीच में जितने भी विवाद थे वो सारे संपन्न हो गए। ये हुई ना समझदारों वाली बात कि मिलकर जितने बातों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप कहीं भी उसे फ़ोन पर या टेक्स्ट मैसेज से नहीं कर सकते। वैसे भी अगर खेसारी और प्रमोद एक दूसरे से मिलकर बात किए होंगे तो अब एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। खैर, हम आगे आपको ये भी बताने वाले हैं कि हो सकता है कि खेसारी काजल से भी मिले। जी हाँ, काजल से उनकी नाराज़गी के चलते हो सकता है खेसारी काजल से भी मिलकर अपने मन मुटाव को कम करें। ऐसे खेसारी उनमें से हैं जो अपने दिल में बात नहीं रखते, जैसे शुरू तो हुआ लेकिन उसे ख़त्म खेसारी ने ही कर दिया। खेसारी के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि वो दुश्मनी किसी से नहीं रखना चाहते। ये बात खेसारी कई बार कई इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।